हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी विषय का दूसरा अध्याय जैसा सवाल वैसा जवाब को अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और आशा करता हूँ आपने इसके पहले वाला जो पाठ था मन के भोले भाले बादल उसको अच्छे से कर लिया होगा और उसके प्रश्न उत्तर लिख लिए होंगे। तो हम इसका अब अध्ययन शुरू करते हैं। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के खास दरबारी ख्वाजा सरा को तो अपनी बुद्धि और विद्या पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने नीरा बालक और मूर्ख समझते थे। नीरा बालक मतलब जिसको कुछ भी पता नहीं होता, कुछ भी बातें, जिसका किसी भी बातों का ज्ञान नहीं होता, उसको नीरा बालक बोलते। नीरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा सरा की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। तूती बोलना मतलब उसका बोलबाला होना, मतलब कि सिर्फ उसी की चलना। तो दरबार में सिर्फ बीरबल की ही चलती थी और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। नक्कार खाने मतलब जो बर्तन बनाकर कारखाना होता है जहाँ ठोका पिटी चलती रहती है बर्तनों की, उसी को बोलते हैं नक्कार खाने। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। छक्के छूट जाएंगे मतलब हार जाएंगे। और लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के सामने बीरबल कुछ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे तीन सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें, उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। कलई खुलना मतलब नानी याद आ जाना, मतलब कि घबरा जाना। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे तीन प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहाँ पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा साहब का पहला प्रश्न पूछा, सर संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़ कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारे दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहाँ पना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले,
ऐसे सवालों के सही जवाब होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िएगा। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। तो बच्चों, इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से ऐसे टेढ़े जो सवाल थे उनका जवाब दिया और ख्वाजा सरा की बोलती बंद कर दी और फिर से अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे दिया और अकबर के सामने ये प्रस्तुत किया कि बुद्धि आगे बड़े बड़ों की कुछ नहीं चलेगी। तो बच्चों, आशा करता हूँ आपको पूरा पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस पाठ में से जितने भी जो कठिन शब्द हैं उनको लिखना होगा और उसी का जो समानार्थी है या उनका जो उनके जैसे वर्ड हैं उनको लिखकर मैं आपको पहुंचा दूंगा। ठीक है बच्चों।